जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम एक बार फिर से असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसमें हम सॉल्व करेंगे आज एक और सवाल जो कि 2020 में पूछा गया था। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण तालिका में से मध्यांक की गणना करिए। यानी कि हमें मीडियन निकालना है दोस्तों। 2020 अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर और सेकेंड पेपर में पूछा गया यह सवाल है। तो और ये सेम सवाल हमने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, एंड आई विश कि आपने होमवर्क यहाँ पे कर लिया होगा। चलिए, जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने कमेंट में आंसर बताया, बहुत शुक्रिया। और शुरू करते हैं इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मैंने आपको पहले बताया मीन मीडियन मोड से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है और उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसा डेटा दिया गया था वैसे हमने डेटा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे नोट कर लिया है। आप क्लास इंटरवल में देखेंगे 50, 54, 49, 45, 49, 40, 44। सिमिलरली 3, 2, 4, 8, 3, 4, 2, इसी तरीके से हमने यहाँ पे सेम नोट कर लिया है 50, 54, 40, 49, 40, 44 और 3, 2, 4, 8, 3, 4, 2। ठीक है, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया दोस्तों, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे नोट कर लिया जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है दोस्तों, पहला जो सबसे स्टेप करना है वो आपको एक और नया कॉलम आपको ऐसे ऐड कर लेना है। ठीक है, एक और आपने यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर लिया जिसका हम नाम क्या देंगे, जिसका हम नाम देंगे CF। CF क्या है भाई? CF है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसे हम संचयी आवृत्ति कहते हैं हिंदी में। ओके, अब आगे आपको नेक्स्ट क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे फर्स्ट जो नंबर दिया गया है आपकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद नीचे वाले को इसमें ऐड करते चलेंगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, फिर इसको ऐड करेंगे तो 9, फिर इसको ऐड करेंगे 9, 8, 17, फिर इसको ऐड करेंगे 20, फिर इसको ऐड करेंगे 24, फिर इसको ऐड करेंगे 26। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो नीचे का डेटा दिया गया था उसको हमको यहाँ पे बस ऐड करते हुए आगे बढ़ जाना है। बहुत अच्छा, तो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 26 यहाँ पे दिया है। अगर ना दिया हो तो फ्रीक्वेंसी के सारे डेटास को अगर आपस में ऐड करेंगे तो वो 26 ही आएगा। तो 26 यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, यही n बाई 2 निकाल लेना है। n/2 यहाँ पे निकाल लेना। n/2 कितना है भाई? 26/2 करेंगे तो आपका कितनी वैल्यू आएगी, 13 आएगी। कितनी आई? 13 आ गई। बहुत अच्छा, अब आपको चेक करना है, थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं। सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है जो हमने निकाला था ना क्यूमुलेटिव, वो सेम चीज़। 13 हमारा n/2 कितना आया था? n/2 हमारा 13 आया था, करेक्ट। अब हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में यानी कि संचयी आवृत्ति में 13 से जस्ट बड़ा कौन सा है। तो 13 से जस्ट बड़ा दोस्तों हमारा देखेंगे आप 17 है। कौन सा भाई? 17 है। बहुत अच्छा, तो 17 का ये जो हमारा रो हो जाएगा ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे आने वाले सारे डेटाज हमें यहीं से मिलेंगे। ओके, बहुत अच्छा, तो 17 वाला जो डेटा था वो हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत सही, ये वाला। ओके, अब हमारे लिए मीडियन के लिए फॉर्मूला है L, n/2, CF, F और H। यही सब वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है इसी से। L क्या है? जो हमारा ये रो निकल के आया है इसी का जो लोअर टर्म होता है दोस्तों, वास्तव में यही L होता है। तो हमें यहाँ से निकल गया L = how much, L = 35। वेरी गुड। n/2 दोस्तों, n/2 आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, दैट इज़ व्हाट, 26/2, दैट इज़ व्हाट, 13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। F फ्रीक्वेंसी दोस्तों, F फ्रीक्वेंसी हमारे 8 हो जाएगा, F = 8 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डेटा। H क्या है दोस्तों? इनके बीच का इंटरवल, जो क्लास इंटरवल का गैप है, तो 35 और 34 के 39 के बीच में कितना गैप है दोस्तों? 4 का गैप है। एक और है CF, जो आपने ये डेटा निकाला ना दोस्तों, इसी के जस्ट ऊपर वाला हमारा CF होता है, यानी कि 9 जो वैल्यू होगी ये हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, 9 जो वैल्यू होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। CF क्या होगा? CF हमारा हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा डेटा इससे निकला था तो इसके जस्ट ऊपर वाला यानी कि ये वाला हमारा CF हो जाएगा। CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? CF की वैल्यू 9 हो जाएगी। बस आपने ऐसे लिख लेना है, फिर अब तो सारा डेटा आपका अवेलेबल हो गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना। आइए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार और नज़र डाल लेते हैं कि हमें कौन कौन सा डेटा मिला। L = 35, n/2 13, F8, H4 और CF9। कुछ नहीं करना है, इसी को यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए ज़रा कर देते हैं। L = 35, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, L+ यानी कि 35 + n/2 हमारा कितना आया, 13 - CF कितना है दोस्तों, CF9 आया।
और f कितना आया, f हमारे पास 8 आया था, 8 आया था, ब्रैकेट क्लोज करते, इनटू h कितना आया था दोस्तों, h हमारा यहाँ पे 4 आया था। इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4 बाई 8 इंटू 4। अब 4 टू जा 8 हो जाएगा और 2 टू जा 4 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 35 प्लस 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 37। कितना दोस्तों, 37 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर मीडियन आया दोस्तों, मीडियन कितना आया, 37 आपका यहां से आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन हो गया। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था, ये 8 नंबर का सवाल था और इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो 8 नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए एक और मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, ये भी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है, लेकिन आपको तीनों मत निकालिएगा, केवल इसका मीडियन निकाल के इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए, बाकी मैं अगले वीडियो में इसका भी आंसर आपको सॉल्व करा के बताऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक हमने दो वीडियो मीडियन के देखे थे, उन दोनों में से दोनों देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है दोस्तों, सबसे पहला जो हमें टास्क करना था वो हमें क्या करना था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये समझते हुए भी कि आप समझ गए हैं, मगर फिर भी एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि रिपीट कर दूँ। जो सबसे पहला टास्क था दोस्तों वो हमें क्या करना था, सबसे पहला टास्क था कि हमें CF निकालना था। CF हमने कैसे निकाला, 3 लिख दिया, फिर क्रॉस जोड़ते गए, क्रॉस जोड़ते गए, CF निकल गए। फिर हमें n/2 निकालना है, और n/2 देखेंगे, n/2 जितनी वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ा CF का कौन सा है, उस रो को हम मार्क कर लेंगे और उसमें से हमें L निकल जाएगा, F निकल जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप H निकल जाएगा, n/2 ऑलरेडी निकला हुआ है और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमें निकल गई तो हमें क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले में रखना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मैं आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा, समझ आ गया हो तो कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया देना ना भूलें, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए और बेहतर होगा अगर आप अपने कॉलेज ग्रुप में भेज दें, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें हैं कॉलेज ग्रुप में, ये बिल्कुल डिजर्व करती हैं जाना। बहुत खास रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये मेरी इंस्टा अकाउंट है janedoc01, कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग फॉलो करें, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप फॉलो करेंगे। कमेंट में राय प्रतिक्रिया देना ना भूलें, इस होमवर्क को करें, इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियोस में करके दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छे नंबर से आपका इस बार सेकेंड ईयर निकलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।